नमस्कार दोस्तों, बेसिक्स ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 4 पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट्स का डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हमने ऑलरेडी टचअप किया है उसको इन डेप्थ हम समझने का कोशिश करेंगे कि कैंडल चार्ट्स का क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स होता है, कैसे कैसे दिखता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स। कंस्ट्रक्टिंग द कैंडल स्टिक लाइन, बेसिकली प्राइस अगर हम देखेंगे व्हाट एवर मे बी द टाइम फ्रेम, आप चाहे उसको डेली लो, वीकली लो, आवरली लो या कोई भी टाइम फ्रेम कर लो, उसमें चार कंपोनेंट होता है। एक है ओपन, दूसरा वाला है क्लोज, तीसरा वाला है हाई एंड चौथा वाला है लो। जब प्राइस का ओपन नीचे होता है एंड क्लोज ऊपर होता है, दैट इज कंस्ट्रक्टिंग ए बुलिश कैंडल। जब प्राइस का ओपन ऊपर होता है एंड क्लोज नीचे होता है, इट इज कंस्ट्रक्टिंग ए बियरिश कैंडल। एक एग्जांपल लेते हैं, ओपन मान लीजिए 100 पे हुआ एंड क्लोज 110 पे हुआ, यानी क्लोज इज हायर देन ओपन। तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो जो कैंडल होगा वो कैंडल हो जाएगा आपका बुलिश कैंडल। अगर ओपन 100 पे हुआ है एंड क्लोज 95 में हुआ है, यानी क्लोज इज लोअर देन द ओपन, इन सच ए सिनेरियो द कैंडल इज कंसीडर्ड एज ए बेयरिश कैंडल। बुलिश कैंडल जनरली ग्रीन या वाइट कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड बियरिश कैंडल को रेड या ब्लैक कैंडल से, ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक हो गया ओपन, दूसरा वाला हो गया लो क्लोज, और नीचे जो लो प्राइस ट्रेड होता है उस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम पे उसको लो बुथ बोला जाता है, एंड हाई जहाँ पे हाई ऑफ दैट पार्टिकुलर प्राइस ट्रेडेड उसको हाई बोला जाता है। एंड रियल बॉडी किसको बोलते हैं? रियल बॉडी बोलते हैं ओपन एंड क्लोज के बीच में जो प्राइस रहता है उस पर्टिकुलर एरिया को रियल बॉडी बोला जाता है। यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो रियल बॉडी बॉडी आपका ये हो गया। व्हाट इज द रेंज ऑफ द कैंडल, क्या हो जाएगा? लो एंड हाई का जो डिफरेंस है उसको रेंज बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, ये हाई हो गया एंड ये लो हो गया, हाई एंड लो के बीच में जो डिफरेंस है उसको रेंज बोला जाता है। व्हाट इज द रियल बॉडी, किसको बोला जाता है? जिसमें ओपन एंड क्लोज के बीच में होता है उसको रियल बॉडी बोला जाता है। दैट बीइंग द केस, रियल बॉडी एंड लो के बीच में जो पार्ट होता है या रियल बॉडी एंड हाई के बीच में जो पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है विक्स, WICKS, विक्स। जैसे मोमबत्ती में एक हल्का सा विक होता है धागे के टाइप का जिसमें हम आग जलाते हैं, उसी विक्स। तो वंस अगेन, ओपन क्लोज हाई लो रियल बॉडी रेंज एंड विक्स, these are the different components of a candle. अभी क्या बोल रहे हैं कि longer the real body, stronger the momentum. यानी वो particular candle का body अगर बहुत बड़ा होगा तो उतना ही ज्यादा strong होगा। यहाँ पे देखिए, open and close में काफी ज्यादा strength है, इसको बोला जाता है, that means it is a strong bull candle. जहां पे रियल बॉडी काफी बड़ा है इन कंपैरिजन टू द रेंज। कभी कभी ये भी हो सकता है कि रियल बॉडी और रेंज एक ही होगा, इन सच ए सिनेरियो क्या होगा? विक्स जो है वो विक्स नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, बॉडी इतना बड़ा है, विक्स दोनों और छोटा छोटा है। कभी कभी दोनों साइड में विक्स रहेगा, कभी कभी एक साइड में विक्स रहेगा और कभी कभी किसी भी साइड में विक्स नहीं रहेगा। उसके बाद ये वाला कैंडल देखिए, यहाँ पे ओपन एंड क्लोज
बहुत ही छोटा है यानी काफी नैरो है, और इज द क्विक, देखिए ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ क्विक्स है नहीं, इसका भी एक डिफरेंट नाम है। उस नाम क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, एक छोटा बॉडी है, क्यों छोटा बॉडी, ओपन एनक्लोज बिल्कुल नजदीक है, ऊपर का विक है नहीं, यानी हाई यहाँ पे क्लोज के बराबर ही है हाई, और नीचे की तरफ लो है यानी नीचे एक विक्स है। यहाँ पे देखिए इस पार्टिकुलर कैंडल पे बॉडी छोटा है, विक्स भी काफी बड़ा है कंपैरिजन टू दिस पार्टिकुलर कैंडल। ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल में आप अगर कंपेयर करोगे, इसका बॉडी इसके बॉडी से और भी छोटा है, विक्स है लेकिन बॉडी बहुत छोटा है। ए वाला कैंडल और ये वाला कैंडल में दिस कैंडल का जो बॉडी है काफी छोटा है, यानी इसका स्ट्रेंथ इस कैंडल के स्ट्रेंथ से कम है एंड इसका स्ट्रेंथ इसके कैंडल से कम है। अगर इसका देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट ओपन इज इक्वल टू क्लोज है या नजदीक है, इसीलिए बॉडी जो है बहुत ही छोटा है, एक लाइन की तरह है, एंड ऊपर और नीचे क्विक्स है, यानी यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना है बहुत ही नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर है। सो एक वन सेकेंड, ये बॉडी का साइज इस बॉडी से बड़ा है, तो ये जो बॉडी है ये स्ट्रॉन्गर देन दिस, एंड ये बॉडी इस बॉडी से बड़ा है, सो दिस कैंडल इज स्ट्रॉन्गर देन दिस, एंड दिस कैंडल इज बिगर देन दिस थ्री कैंडल्स, क्योंकि यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू क्लोज है ये तीनों में, या ओपन इज इक्वल टू नियर बाय क्लोज है। तो ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल, जितना ज्यादा बड़ा कैंडल होगा बॉडी होगा उतना स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जितना कम रियल बॉडी होगा उतना स्ट्रेंथ कम होगा। पहले वाला ये था बुल कैंडल के लिए यानी ग्रीन कैंडल के लिए या बायर्स के लिए, यहाँ पे उसी का उल्टा जो है आपका सेलर्स के लिए। यहाँ पे देखिए ये जो बॉडी है, दिस बॉडी इज बिगर देन दिस बॉडी, सो इसका स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है, सिमिलरली इसका स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है, एंड इसका स्ट्रेंथ बाकी तीन जो है उससे ज्यादा है। जितना ज्यादा बड़ा बॉडी होगा उतना बड़ा स्ट्रेंथ, यहाँ पे इट्स ए रेड कैंडल दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे क्या है सेलर्स का स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ओपन इज इक्वल टू क्लोज है और ओपन इज इक्वल टू नियर टू क्लोज है, एंड ऊपर नीचे प्राइस रिजेक्शन से ऊपर में यहाँ पे गया नीचे में यहाँ पे आया। व्हाट आई मीन बाय रिजेक्शन, हम सबसिक्वेंटली आ रहे हैं, तो यहाँ पे लॉन्गर द रियल बॉडी और बिगर द रियल बॉडी स्ट्रॉन्गर द मोमेंटम, तो यहाँ पे इट्स ए बियर कैंडल जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे बिगर द रियल बॉडी इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, एंड दिस वन इज स्ट्रॉन्गर ग्रीन कैंडल, दिस वन इज स्ट्रॉन्गर बियर कैंडल। नेक्स्ट आते हैं आपका यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स कैसे होंगे डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बॉडी, डिपेंडिंग ऑन द विक्स एंड डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द विक्स। ये वाला कैंडल पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे ओपन हुआ यहाँ पे क्लोज हुआ, इसमें ना ही नीचे लो है ना ही ऊपर हाई है, इसका मतलब क्या हो गया इस पार्टिकुलर कैंडल में ओपन इज इक्वल टू लो एंड क्लोज इज इक्वल टू हाई, यानी ये पार्टिकुलर कैंडल मॉर्निंग में जहां पे ओपन हुआ उसके नीचे ट्रेड नहीं किया, एंड एट द एंड ऑफ द डे जहां पे क्लोज दिया उसके ऊपर हाई ट्रेड नहीं किया, यानी हाई इज इक्वल टू क्लोज एंड लो इज इक्वल टू ओपन, यहाँ पे विक्स है नहीं, ना ही ऊपर की तरफ विक्स है
ना ही नीचे की तरफ क्विक से। इसका मतलब क्या है? ना ही नीचे प्राइस गया था, ना ही प्राइस ऊपर गया था जहां से प्राइस गॉट रिजेक्टेड। यानी यहाँ पे नीचे से प्राइस रिजेक्ट होके ऊपर नहीं गया, और ऊपर में भी देखो जहां पे क्लोज दिया उसके ऊपर कोई प्राइस नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऊपर में प्राइस कोई रिजेक्शन हुआ नहीं, डायरेक्टली ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, ना ही लो था ना ही हाई था। लो इज इक्वल टू ओपन एंड हाई इज इक्वल टू क्लोज। इसका मतलब क्या बता रहा है? यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है बहुत ही मैक्सिमम है। इसका एक पार्टिकुलर नाम होता है मारीबाजू कैंडल। हम लोग ज्यादा नाम पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा नाम पे फोकस करेंगे तो हम कौन राम, कौन रहीम, कौन अब्दुल, कौन लक्ष्मण, उसमें ही अटक जाएंगे। हमें अटकना नहीं है, हमें मेनली प्राइस का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जानना है। ये वाला कैंडल पे आप क्या देखोगे? ऊपर की तरफ कोई प्राइस रिजेक्शंस नहीं है, यानी क्विक्स नहीं है, यानी यहाँ पे क्या हो गया? आपका क्लोज इज इक्वल टू हाई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? एक लो पॉइंट था, यानी ओपन यहाँ पे आया, लो मारा था। लो मारने के बाद सेलर्स ने इसको नीचे लाने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बायर ने दोबारा बाई करके इसको ऊपर की तरफ उठा के लेके गया एंड डेली हाई के लेवल पे क्लोज दिया। यानी नीचे थोड़ा सा लो आया था, यानी नीचे सेलर्स ने ओपनिंग के बाद सेलर्स ने क्या किया? प्राइस को नीचे धकेलने का या दबाने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बायर्स ने फिर दोबारा बाई करना चालू किया एंड उसको बिल्कुल ऊपर, हाई एंड क्लोज बिल्कुल सेम जगह पे था। तो यहाँ पे इस दोनों कैंडल को हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? हाई एंड क्लोज दोनों में सेम है, यानी डेज हाई में ही क्लोज दिया है। लेकिन इसमें क्या हुआ? आपका आपका लो नहीं है, यानी सेलर्स ओपनिंग के नीचे प्राइस को लेके जाने में असक्षम था, इनेबल अनेबल था। लेकिन यहाँ पे सेलर्स ने ओपनिंग के बाद थोड़ा सा नीचे लेके जाने का कोशिश किया था। यानी यहाँ पे एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सेलर्स बायर्स से ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन सब्सिक्वेंटली बायर्स ने क्या किया? सेलर्स को हरा के ऊपर लेके गया। अभी आते हैं ये वाला कैंडल पे। ये वाला कैंडल में क्या है? ओपन यहाँ पे आया, क्लोज यहाँ पे आया, हाई यहाँ पे है, लो यहाँ पे है। इसका मतलब क्या है? ओपन के बाद सेलर्स ने उसको नीचे लेके गया था, यहाँ तक लेके गया था, तो यहाँ पे लो बनाया। लो बनाने के बाद फिर बायर ने बाई करना चालू कर 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 करके एकदम ऊपर तक लेके गया था, हाई यहाँ पे बनाया। लेकिन यहाँ पे जब हाई हुआ तो यहाँ पे सेलर्स ने थोड़ा सा बिकवाली किया, सेलिंग किया, और इसको फिर दोबारा हाई से थोड़ा सा नीचे क्लोज दिया। यानी यहाँ पे नीचे के तरफ प्राइस रिजेक्शन हुआ, हाई के तरफ भी प्राइस रिजेक्शन हुआ। ये कैंडल का भी बॉडी बड़ा है, बिग बॉडी है, लेकिन नीचे के तरफ भी प्राइस रिजेक्शन हुआ, ऊपर की तरफ भी प्राइस रिजेक्शन हुआ। यानी यहाँ पे प्राइस, इसका जो स्ट्रेंथ है, पहले दोनों कैंडल से कम है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या है? ओपन इज इक्वल टू क्लोज सेम है, या ओपन इज नियर बाय क्लोज। सिंस इट इज अ ग्रीन कैंडल, यानी मे बी थोड़ा सा पॉइंट के लिए क्लोज ऊपर ही था, ऊपर में था। मान लीजिए कि ओपन हुआ 100 में एंड क्लोज दिया 100.50 पे, तो एक छोटा सा स्मॉल ग्रीन कैंडल बनाया। लेकिन ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ दिस पार्टिकुलर कैंडल, टेन्यूर ऑफ द पार्टिकुलर कैंडल बोले तो ये अगर 5 मिनट का है तो इसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, ये अगर 1 आवर का है तो 1 आवर का टाइम फ्रेम में, ये अगर डेली कैंडल है तो डेली कैंडल के टाइम फ्रेम में क्या हुआ? सेलर्स ने एक बार ओपनिंग से नीचे लेके गया था,
यहां तक नीचे लेके आया, फिर क्या हुआ, बायर्स ने बाई करना चालू किया एंड ऊपर लेके गया। यहाँ पे जब आया, यहाँ पे फिर सेलर्स ने बोला नहीं मैं अभी सेल करूंगा, तो सेलर्स ने फिर दोबारा सेल करना चालू किया एंड फाइनली क्लोजिंग कहाँ पे दिया, ओपन के आसपास में हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर में सेलर हावी था, नीचे में बायर स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इनडिसिशन था, ना ही बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ना ही सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जैसे ही प्राइस नीचे आया, बायर ने बाई करके ऊपर लेके गया, जैसे ही प्राइस ऊपर गया तो सेलर ने प्राइस सेल करके नीचे लेके आया। ये वाला कैंडल में आएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, ओपन एंड क्लोज के बीच में छोटा सा एक बॉडी है, तो यानी यहाँ पे मान लीजिए ये 100 ओपनिंग है तो ये 102 है, यानी 2 रुपये का एक बॉडी ऑफ द कैंडल है। इसका बॉडी इस बॉडी से काफी ज्यादा है, बट प्राइस क्या हुआ, नीचे के तरफ भी जब सेलर ने सेल करने का कोशिश किया, यहाँ तक लेके आया एंड बायर ने क्या किया, यहाँ से फिर बाई करना चालू किया एंड ऊपर लेके गया। फिर बायर ने बाई करते करते इतना तक ऊपर लेके गया था, लेकिन यहाँ पे जाके फिर सेलर्स स्टार्टेड सेलिंग, मे बी फॉर प्रॉफिट बुकिंग और मे बी फॉर डाउनसाइजिंग देयर ओपन पोजीशन, व्हाट एवर मे बी द रीजन। इंट्राडे प्लेयर्स होंगे तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी प्राइस ऊपर के तरफ रिजेक्ट हुआ, नीचे के तरफ भी रिजेक्ट हुआ, लेकिन बॉडी जो है यहाँ पे, इसका बॉडी इसके बॉडी से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे ये वाला कैंडल देखेंगे, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल है, मतलब ओपन से थोड़ा सा ऊपर क्लोज दिया है। कभी कभी ओपन इज इक्वल टू क्लोज भी हो सकता है, कभी कभी नियर बाय क्लोज भी, ओपन नियर बाय ओपन भी दे सकता है क्लोजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओपन हुआ प्राइस, क्लोज उसके नजदीक ही दिया, लेकिन ऊपर में कोई हाई नहीं है, नीचे के तरफ लो है। इसका मतलब क्या है, ओपन होने के बाद सेलर ने बेचना चालू किया, बेचते 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 यहाँ तक लेके आया, इस लो तक लेके आया। उसके बाद आपका फिर बायर ने बोला कि नहीं अभी हमें बाई करना है, तो यहाँ पे बायर फिर हावी हो गया एंड सेलर्स स्टार्टेड लूजिंग देयर सेलिंग स्प्री, देयर सेलिंग देयर स्ट्रेंथ, ग्रेजुअली अपना सेलिंग पावर खोने लगा। पावर खोते खोने के बाद बायर्स हावी होता गया, बायर्स ज्यादा पावरफुल होते गया एंड धीरे धीरे उसने क्या किया, ओपन के आसपास जाके क्लोज दिया। इसमें क्या हुआ, प्राइस रिजेक्शंस नीचे के तरफ हुआ, ऊपर में हाई बिल्कुल है ही नहीं, यानी ऊपर प्राइस गया ही नहीं। इसका मतलब क्या है, हम सब्सिक्वेंटली फिर आएंगे इसके, लेकिन पहले ये जो मीन्स द बायर वर्सेस द सेलर के बीच में जो फाइट है उसको समझना है। यहाँ पे ओपन यहाँ पे आया, सेलर्स ने फाइट करके नीचे लेके आया, यहाँ तक जैसे लेके आया फिर बायर ने बोला नहीं अभी हम बाई करना चालू करेंगे। जैसे बायर ने बाई करना चालू किया, सेलर्स ने अपना पावर लूज करते गए एंड ग्रेजुअली ये ऊपर लेके आया एंड ओपन के थोड़ा सा ऊपर क्लोज दे दिया। सो यहाँ पे सेलर्स का जो पावर था बिल्कुल निगेट कर गया, निगेट कर गया या ना, सेलर्स को बिल्कुल हरा के बायर्स ने विन ओवर किया। लेकिन विन ओवर करने से भी क्या हुआ, ज्यादा ऊपर लेके नहीं जा सकता, जा सका यहाँ पे। इस पार्टिकुलर कैंडल पे क्या किया, ओपन यहाँ पे हुआ, उसके बाद क्या, ओपन के बाद लो नहीं है, यानी यहाँ पे बिल्कुल सेलर मिसिंग है, इसके नीचे लेके नहीं गया, लो बनाया नहीं, सो ओपन इज इक्वल टू लो है। उसके बाद बायर बाई करते 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 यहां तक लेके आया, जैसे यहां तक लेके आया वहां पे सेलर्स एपियर एंड दे हैव स्टार्टेड सेलिंग, सेलिंग करते 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 इतना तक सेलिंग किया एंड फाइनली यहाँ पे जाके क्लोज दे दिया। सो यहाँ पे ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, लेकिन बॉडी ऑफ द कैंडल इज छोटा इन कंपैरिजन टू द अपर विक्स। ऊपर का जो विक्स है उसके, देखिए इसका जो विक्स है काफी ऊपर है, यानी बायर्स ने यहाँ तक लेके गया था बट सेलर्स ने इस लेवल के बाद इतना बेचा कि बायर्स
को हरा दिया, लेकिन पूरा हरा नहीं पाया उसको, सेलर्स ने बायर्स को हरा के ओपन के नीचे ले नहीं पाया, ओपन से थोड़ा से ऊपर जाके बंद दिया। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ कैंडल, इसका नाम क्या है हम आएंगे ग्रेजुअली, लेकिन यहाँ पे क्या समझ में आया कि ऊपर लेवल में सेलर्स ने बहुत टफ फाइट किया, एंड इतना जो टेरिटरी था बायर्स का यहाँ पे ओपन होने के बाद इतना तक लेके गया था, सेलर्स ने मार मार के यहाँ तक लेके आया। यानी आपका मान लीजिए 80 या 90% जो बायर्स ने एरिया गेन किया था वो सेलर्स ने रिगेन कर लिया। उसके बाद आते हैं सेम, इसमें क्या हो गया आपका रेड कैंडल के साथ, यहाँ पे पहला वाला क्या है ओपन यहाँ पे आया, क्लोज यहाँ पे दिया, हाई इज नॉट देयर यानी ओपन इज इक्वल टू हाई, लो इज नॉट देयर इसका मतलब क्या है, लो इज इक्वल टू क्लोज। यहाँ पे दिस इज अ मारी बाजू कैंडल जिसका ऊपर में हाई विक्स नहीं है, नीचे में भी विक्स नहीं है, यानी जस्ट लाइक आप बोल सकते हैं कि गंजा है जिसका सर टकला किया हुआ है, यानी ऊपर में भी शेव हुआ है नीचे में भी शेव हुआ है। इसमें क्या हुआ, ओपन यहाँ पे आया क्लोज यहाँ पे दिया, यानी थ्रू आउट द डे सेलर्स आर टोटली इन कंट्रोल, बायर को बिल्कुल जीतने नहीं दिया। यहाँ पे क्या हुआ, ओपन इज इक्वल टू हाई, लेकिन बेचते 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 सेलर ने यहाँ तक लेके आ गया था, एंड फाइनली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ यानी या थोड़ा सा यहाँ पे बाई बैक हुआ, जिसके कारण एक नीचे एक लोअर विक्स देखा गया या लोअर शेडो देखा गया। ये वाला कैंडल में क्या है, ओपन यहाँ पे हुआ, प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद सेलर ने बेचना चालू किया, करते 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 यहाँ तक लेके आया, जब यहाँ पे लेके आया उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ या थोड़ा बहुत बाई बैक हुआ, जिसके कारण फाइनली क्लोज यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे लोअर विक्स भी था या लोअर शेडो था, यहाँ पे अपर विक्स था या अपर शेडो था, यानी बॉडी ये हो गया, यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन था, यहाँ पर भी आपका प्राइस रिजेक्शन था, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्राइस बिल्कुल रिजेक्शन नहीं था, यहाँ पे क्या हुआ प्राइस गॉट रिजेक्टेड एट द लोअर लेवल्स, यहाँ पे क्या हुआ प्राइस गॉट रिजेक्टेड एट द अपर लेवल्स एज वेल एज एट द लोअर लेवल्स, यानी यहाँ पे सेलर ज्यादा था, ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंट था और यहाँ पे बायर ज्यादा प्रेजेंट था, इतने तक लेके जाने में अलाउ नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो एक स्मॉल ओपन यहाँ पे था, क्लोज यहाँ पे था, हाई यहाँ पे था, लो यहाँ पे था, इसका मतलब क्या हुआ, ओपन होने के बाद बायर्स ने ऊपर लेके जाने का कोशिश किया, बिकॉज ऑफ व्हिच एक हायर शेडो या हायर क्विक्स बना, फिर सेलर ने बेच बेच के यहाँ तक लाया, लेकिन यहाँ पे जब लाया थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, या बायर्स इनिशिएटेड सम बाइंग पोजीशन जिसके लिए लो लेवल को बट रिजेक्टेड, यानी नीचे एक लोअर क्विक्स हुआ या लोअर शेडो हुआ। तो यहाँ पे बॉडी बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू दिस थ्री कैंडल्स, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू क्लोज है या ओपन इज इक्वल टू नियर बाय क्लोज है, एंड प्राइस गॉट रिजेक्टेड ऑन बोथ द टू साइड्स, यानी यहाँ पे पावर बायर का भी नहीं है सेलर का भी नहीं है, दोनों का बराबर है। जब बायर ने ऊपर लेके जाने किया लाने का कोशिश किया तो सेलर ने मार मार के नीचे लेके आया, जब ये प्राइस मार मार के नीचे लेके आया फिर बायर ने यहाँ पे बाई किया, एंड अल्टीमेटली स्टैंड ऑफ बिटवीन द बायर एंड द सेलर। तो क्या हुआ, बायर ने बोला ना मैं तेरे को नीचे जाने दूंगा, सेलर ने बोला ना मैं बायर को ऊपर जाने दूंगा, तो या देयर इज ए इक्वल स्ट्रगल, ए पावर प्ले बिटवीन द बायर एंड द सेलर, एंड अल्टीमेटली ना बायर ने जीता ना सेलर ने जीता। यहाँ पे क्या हुआ, ओपन इज इक्वल टू हाई है, उसके बाद यहाँ तक आया, यहाँ पे आने के बाद फिर बायर ने पूरा का पूरा उठा के यहाँ पे जाके लेके गया, यहाँ पे लोअर क्विक्स बना है, यानी लोअर लेवल पे बायर ने सेलर को सस्टेन होने में पावरफुल होने में अलाउ नहीं किया, यानी जैसे नीचे आया बाइंग होके ऊपर चला गया, एंड द सेलर्स गॉट डिफीटेड, एंड और इन अदर वर्ड्स बायर
could retain the lower levels. यहाँ पे क्या हुआ, ओपन यहाँ पे था, हाई यहाँ पे था, यानी ओपनिंग के बाद बायर्स ने ऊपर लेके गया, जैसे ऊपर लेके गया एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद सेलर ने काफी स्ट्रांग हो गया एंड बेचना चालू किया, बेचते 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 यहाँ तक लेके आया, यानी यहाँ पे क्या हुआ, लो इज इक्वल टू क्लोज हो गया। इसमें क्या हुआ, सेलर्स वर मच स्ट्रॉन्गर देन द बायर्स, यहाँ पे प्राइस ऊपर लेवल पे गॉट रिजेक्टेड। अभी एक क्वेश्चन है, दोनों ही ग्रीन कैंडल है यानी बुलिश कैंडल है, एक में हमने लिखा ओपन यहाँ पे हुआ क्लोज यहाँ पे हुआ, दूसरे में हमने लिखा ओपन यहाँ पे हुआ क्लोज यहाँ पे हुआ, आप बताओ करेक्ट कौन सा है। टेक फ्यू सेकेंड्स पॉज एंड डिसाइड, इट्स ए ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल कब होता है, जब क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर होता है, तो क्या ये होगा करेक्ट या ये होगा, ओपन नीचे है क्लोज ऊपर है, यानी बायर्स आर मोर पावरफुल सो बाइंग, सो ए वाला दिस वन फर्स्ट वन इज द करेक्ट, सेकेंड वन इज रॉन्ग। सिमिलरली यहाँ पे आप बताओ कौन सा नोमेनक्लेचर करेक्ट है, पहले वाले पे ओपन यहाँ पे दिखाया, क्लोज यहाँ पे दिखाया, हाई ये है लो ये है, तो ये क्या बुलिश कैंडल है या बियरिश कैंडल है। सेकेंड वाले पे आप देखो, ओपन यहाँ पे दिया, हाई यहाँ पे है, लो यहाँ पे है एंड क्लोज यहाँ पे दिया, क्लोज इज लोअर देन द ओपन, तो ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, टेक फ्यू सेकेंड्स पॉज एंड डिसाइड। बियरिश कैंडल पे क्या होता है, सेलर्स आर मोर डोमिनेंट, सेलर्स आर मोर डोमिनेंट यानी पावरफुल, अगर ज्यादा पावरफुल होगा, ताकत ज्यादा होगा सेलर्स में, तो क्लोज नीचे होगा देन द ओपनिंग, तो यहाँ पे सेकेंड वन इज द करेक्ट मार्किंग। अभी आते हैं विक्स एंड शेडोज, अभी Shadows and the wicks are the price rejections. Upper wicks या upper shadows यानि ऊपर के तरफ कितना price reject हुआ. Lower shadow या lower wicks मतलब नीचे के level पे कितना price rejections हुआ. यहाँ पे देखो lower wicks कितना बड़ा है, upper wicks कितना moderate size है. यानि यहाँ पे lower wicks ज़्यादा बड़ा है, मतलब यहाँ पे बायर्स ने सेलर्स को यहाँ से यहाँ तक धकेल के ऊपर लेके गया। यहाँ पे देखो विक्स बहुत ही छोटा छोटा विक्स है या शेडोज है, इसका मतलब क्या है, ये कैंडल ज्यादा ऊपर या नीचे मूव कर नहीं पाया। यहाँ पे क्या हुआ, नीचे के तरफ छोटा रिजेक्शन से, ऊपर के तरफ ज्यादा रिजेक्शन से, ऊपर के तरफ ज्यादा रिजेक्शन यानी सेलर्स आर मोर एक्टिव, ये पर्टिकुलर रीजन पे सेलर्स आर मोर एक्टिव, ज्यादा पावरफुल। यहाँ पे देखो लोअर विक्स है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, नीचे प्राइस रिजेक्ट हुआ नहीं है, लेकिन ऊपर के तरफ बहुत ही ज्यादा प्राइस रिजेक्शन हुआ। ये वाला कैंडल पे देखो बॉडी छोटा है एंड हायर विक्स या अपर शेडो है ही नहीं, लोअर शेडो बहुत बड़ा है, यानी प्राइस गॉट रिजेक्टेड एट द लोअर लेवल। ये जो साइज ऑफ द विक्स या लेंथ ऑफ द विक्स प्लेज ए वाइटल रोल इन डिसाइडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। क्या है, यहाँ पे देखो प्राइस कितना ऊपर की तरफ से सेलर ने रिजेक्ट किया, यानी ये काफी सेलर जोन बन गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस तो आया था लेकिन बायर ने नीचे से बाई करना चालू किया, ऊपर लेके गया, तो क्या हुआ आपका, यहाँ पे ये एक बायर का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहाँ पे सेलर का थोड़ा सा छोटा एरिया है एंड बट बायर का ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है यहाँ पे, यानी सेलर्स गॉट रिजेक्टेड, नीचे के तरफ सेलर्स गॉट रिजेक्टेड, ऊपर के तरफ बायर गॉट रिजेक्टेड। सिमिलरली रेड कैंडल्स के लिए सेम है, यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर गया था लेकिन प्राइस गॉट रिजेक्टेड, प्राइस गॉट रिजेक्टेड मीन्स यहाँ पे सेलर हावी हो गया, तो
तो यहाँ से बेचना चालू किया, चालू करते करते यहाँ तक लेके आया, लेकिन फिर दोबारा बाइंग चालू हुआ एंड फाइनली क्लोज इट है। तो यहाँ पे नीचे के तरफ कितना सेलर्स को डिफीट खाना फेस करना पड़ा, यानी सेलर्स ने ओपन यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ तक गया, यहाँ से फिर यहाँ तक सेल करते करते लेके आया, लेकिन फाइनली क्या हुआ, फिर ये जो टेरिटरी है ये सेलर ने खो दिया। मतलब यहाँ पे बायर्स ने सेलर्स को डिफीट किया, यहाँ पे सेलर्स ने बायर को डिफीट किया, यहाँ पे बायर्स ने सेलर्स को डिफीट किया, यहाँ पे सेलर्स ने बायर को डिफीट किया, यहाँ पे छोटा है। सो दिस इज अबाउट द विक्स और द शेडोज, इसका रिलेवेंस बहुत ज्यादा है इन कैंडलस्टिक एनालिसिस। तो अभी हमने देखा है कि प्राइस कंस्ट्रक्शन कैसा है, ओपन लो हाई क्लोज रियल बॉडी रेंज, उसके बाद आपका रियल बॉडी जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही स्ट्रांग होगा यहाँ पे सिमिलरली। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल चार्ट्स, यहाँ पे कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है, अभी हमने एक भी कैंडल का नाम नहीं लिया। हमने क्या किया, कैंडल कैसा है एंड उसका बिहेवियर पैटर्न्स कैसा है वही हमने जानने का कोशिश किया। हमने अभी क्या डोजी है, क्या बुलिश एनगल्फिंग है, क्या बियरिश एनगल्फिंग है, क्या बुल शेष है, क्या कीकर है, क्या क्या आपका आपका बुलिश हरामी बियरिश हरामी बुल काउंटर अटैक पियर्सिंग पैटर्न, ऑल दिस थिंग्स हमने अभी तक आया नहीं है। पहले हम कैंडल का बेसिक नेचर समझ लेते हैं, देन हम आएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स में भी हम आएंगे सिंगल पैटर्न कैंडल, सिंगल कैंडल पैटर्न, देन डबल कैंडल पैटर्न, देन मल्टीपल कैंडल पैटर्न्स। तो अभी के लिए इतना ही बेसिक कैंडल्स, कैंडल स्टिक एनालिसिस और द टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 4 में अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो आप देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आशा करता हूँ मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ तो आप सभी को ये क्लैरिटी आ चुका है, द पावर ऑफ द रियल बॉडी एंड पावर ऑफ द विक्स और द शेडोज। तो अभी के लिए इतना ही, ए वेरी मीन्स आपको सभी को धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।